ये सारा वहशियाना खेल एक बहुत बड़े हजूम के दायरे में हो रहा था। तमाशाई जबरूत के खौफ के सबब सिर्फ कुत्तों ही को दाद दे रहे थे। खुद जबरूत का वहशीपन भी अरूज पर था। वो कुत्तों की हिम्मत बढ़ाने के लिए इन्हें चला चला कर हशका रहा था और कुत्तों के मुंह से बहते कफ की तरह इसकी दाल भी फते जोश से बार बार टपक रही थी। जब कोई कुत्ता रीछ को गहरा जख्म लगाने में कामयाब हो जाता तो जबरूत की हालत मजीद हैजानी हो जाती है, और अगर रीछ की खुशकिस्मती से कोई कुत्ता इसके पंजे के थपेड़े या गिरफ्त में आ जाता तो जबरूत बेकाबू होकर अपने कुत्तों और इनके सताने वाले खिदमतगारों को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता, इन पर गराता चलाता और पागल हथने से उखड़ जाता। मुकाबला अब अपनी इंतहा को पहुंच चुका था और थकन और प्यास के मारे कुत्तों की जबानें बाहर लटक आई थीं, लेकिन शायद ऐसे मुकाबलों में कुत्तों को पानी के करीब नहीं पटकने दिया जाता था। तभी कुत्तों के रखवाले इन्हें बार बार पानी से दूर हांक देते थे। इनमें वो कुत्ता भी शामिल था जिसे जबरूत ने रात काले कहकर मुखातिब किया था। दफ्तन रीछ को एक मौका मिला और एक चमकतरे कुत्ते की गलत छलांग ने इसे रीछ के बाजुओं की लपेट में दे दिया। रीछ ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी गिरफ्त शदीद तर कर दी, और मैंने इतनी दूर खड़े हुए होने के बावजूद इस कान फाड़ देने वाले शोर में इस कुत्ते की रीढ़ हड्डी के चटकने और फिर टूट कर धड़कने की आवाज़ सुनी। कुत्ते के मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और ज़मीन पर गिरते ही चंद लम्हे तड़पने के बाद वो ठंडा हो गया। इसी असना में रीछ का पंजा पूरी कुव्वत से लहराया और काला हवा में लहराते हुए हजूम के दायरे में बाहर जा गिरा और गिरते हैं बेसुध हो गया। जबरूत का पारा आसमान को छूने लगा। वो ज़ोर से चलाया, मरने दे इस मुर्दार को, कोई हाथ न लगाए इस रामखोर को। आठ में से दो कुत्तों को रीछ ने मुकम्मल पुछाड़ दिया था, लेकिन इसे अब छह तरफा हमले का सामना था और रीच के जिस्म से तेज़ी से बहता खून से धीरे धीरे निडाल कर रहा था। जब रूत ने झोलते और धमकाते हुए रीच को देखा तो इसकी आंखों में चमक सी लहराई। इसे पास खड़े ढोलकियों को ढोल पीटने का इशारा किया। ढोल की पहली थाप सुनते ही अधमुरे कुत्तों में जैसी बिजली की लहर सी कूद गई और इन सब ने अपने घायल जिस्म समेटे और एक साथ ही रीच के शिकस्ता जिस्म पर हमलावर हो गए। न जाने क्यों इस लम्हे मुझे वो अजियत और करप से लहराता रीछ रोमन दौर की इन जंगजुओं को याद दिला गया जिन्हें ग्लेडिएटर कहा जाता था और जिन्हें रोमन बादशाह सजा के तौर पर इस किस्म के अखाड़ों में भूखे शेरों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक ढाल और एक नेजे के बल पर उतार देते थे। लेकिन यहाँ तो ढाल और नेजे का तकल्लुफ भी नहीं था और बिलाखिर एक कुत्ता रीछ के नखे में अपनी खूनी जबड़े काटने में कामयाब हो ही गया। रीछ के नखे से खून का एक फवारा सा निकला और आसपास कई तमाशियों के कपड़े सुर्ख छींटों से दागदार हो गए। दूसरे कुत्ता मौका पाकर रीछ के तोथनी और नकेल वाले हिस्से को भोंवड़ रहे थे। ग्लैडिएटर हार चुका था। ज़मीन पर गिरने से पहले ही इसने एक बेकसी की आँख उखाड़े के बेहद तमाशियों पर डाली और इस अजीम जैसा बेदम होकर ज़मीन छूने के लिए आखिरी बार झोल कर ढलका। लेकिन इससे पहले रीछ के मालिक की आंख से टपके वो आंसू ज़मीन को अपनी आखिरी सलामी पेश कर चुके थे और एक ज़ोरदार धप की आवाज़ के साथ रीछ ज़मीन पर गिरा और गद का एक तूफान उठा। छह कुत्तों में से दो मजीद शदीद जख्मी हालत में एक जाने पड़े तड़प रहे थे और बाकी चार की हालत से भी ऐसा लगता था कि इन्हें फिर से अपने मामूल की हालत तक पहुंचने के लिए हफ्तों दरकार होंगे। जबरूत ने फतह का नारा लगाया और ढोलकिए ने ढोल की ताल तान तेज़ कर दी। तमाशी आगे बढ़ बढ़ के जबरूत को मुबारकबाद पेश कर रहे थे। इनमें से एक ने मिठाई के टोकरे का मुँह खोला और एक शानदार हरीफ की मौत के जश्न में मिठाई तकसीम करने लगा। इकराम साहब ने रश में से रास्ता निकाल बनाया और मुझे खींचते हुए जबरूत के करीब ले गए। न जाने इस शोर में जबरूत को इनकी बात समझ में आई या नहीं, लेकिन इस वक्त वो खुशी से इस कदर सरशार था कि इसने मेरे वजूद की तरफ नज़र भी नहीं डाली और अब किसी करिंदे को चलाकर राशन देने का कहा। कुछ ही देर में जब हम किले से बाहर निकल रहे थे तो इकराम साहब के हाथ में आटे चावल और गुड़ के चंद थैले मौजूद थे। जबरूत इस हंगामे की वजह से मेरे दूसरे साथी यानी सुल्तान बाबा की कमी महसूस नहीं कर सका था। इस बात पर इकराम साहब सर रास्ता अल्लाह का शुक्र अदा करते करते चलो बला टली तो सही, लेकिन मेरा अमन इस वैश्याना खेल को
देखने के बाद इस कदर पर्स मुर्दा हुआ कि मैं शाम तक एक घूंट पानी अपने हल्क से नीचे ना उतार सका। बार बार मेरी आंखों के सामने इस बेबस और लाचार रीछ की वो पूनम आंखें और इसका हाकर ज़मीन पर गिरने का मंज़र आ जाता। सुल्तान बाबा बहुत देर तक मुझे यूँ गुमसुम बैठा देखते रहे। फिर इन्हें कराम साहब के वापस जाने से पहले सारी कहानी सुना दी थी कि मैं क्यों इतना गुमसुम वापस लौटा हूँ। मगर के बाद सुल्तान बाबा तस्बीह ख़त्म करके मेरे पास आकर बैठ गए। मैं इस वक्त हवा बिल्कुल बंद थी और दिन का सूरज ढलने के बाद चाँद एक दूसरे तपते सूरज के रूप में तलू होने की तैयारी में था। उन्होंने गौर से मेरी आंखों में झांका, क्यों मियाँ, कुछ समझ में आया? यह अख्तियार और बेख्तियारी का खेल। आज दोपहर को जो कुछ तुमने देखा वो इसी मामे की एक कड़ी ही तो थी। मैंने चूम कर इनकी जानब देखा। वो कैसे भाई, ज़रा गौर तो करो। वो बेबस जानवर भी हमारी ज़िंदगी का एक सितारा ही तो था, और आठ जानिब से वो चमकते हुए वो हमला आवर, वो मजबूरियाँ, जुर्म गुनाह और फरेब के वो हमले थे जो हम सारी उम्र झेलते हैं। इसका आखिरी कार वो मौत अख्तियार से बेख्तियारी की जानिब इसका आखिरी सफ़र था। उसकी पैरों से बंधी वो जंजीर, इसके नाक से में ढाली नकील, हमारे माशरे की पाबंदियाँ और कानून समझ लो। कभी कभी ये बेड़ियाँ रिश्तों की सूरत में हमें जकड़े रखती हैं। ज़िंदगी खुद अख्तियारी का एक किस्म है और मौत बेख्तियारी है। हाँ, अलबत्त इस जानवर और इंसान में एक वाज महसूस है कि इंसान अशरफ मखलूक़ात है और अख्तियार की हदें किसी भी मखलूक से बहुत ज़्यादा हैं। मुझे सुल्तान बाबा की बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन मैं जानता था कि वक्त आने पर यह मोहम्मा भी अस्कोत मुझ पर खुल ही जाएगा। अचानक मुझे वो लड़की याद आई जिसका हिवला वो दो मरतबा कालगढ़ आने के बाद देख चुका था। मैंने सुल्तान बाबा से जिक्र किया तो वो किसी सोच में पड़ गए। बास मरतबा ये सराह हम इंसानों से अजीब ख्वाब शराब के खेल खेलता है, लेकिन शराब का वास्ता तसलसल से नहीं, ख़ासतौर पर अगर ये इंसानी हिवले का मामला है। अगर तीसरी बार मरतबा भी वो शेबा तुम्हें दिखाई दे तो इसके करीब जाने की कोशिश करना, लेकिन याद रहे इस सराह का अफसोस बड़ा गहरा होता है। इशा के बाद सुल्तान बाबा अपने कमरे में चले गए और फिर से अपने नसीब के चंद सितारे के साथ काली रात में मज़ाक के समय में तनहा बैठा रह गया। हमारी ज़िंदगी की तमाम तर अनहोनियों के ताल्लुक रात ही से क्यों होता है? क्यों दिन का उजाला बहुत से हकायक को ढांप देता है? हालांकि अमूमन हम यही ख्याल करते हैं कि ढांपने और पता डालने का वास्ता अंधेरे से होता है, लेकिन मुझ पर तो ज़्यादातर रात ही खुलती थी और दिन हमेशा से मेरे लिए एक तबीज़ पर्दे का सर काम अंजाम देता रहता था। मैं इन सोचों में गुम था कि अचानक हवा दोष पर मुझे दूर से किसी बांसी की लेक की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हों तक मैं इस आवाज़ को अपना वहम ही समझता रहा, लेकिन फिर सुल्तान बाबा की कही हुई बात ने मुझे झंझोड़ दिया। हाँ, वहमों और शराब का वास्ता तसलसल से नहीं होता, लेकिन ये मदर तो लगातार और मुसलसल सुनाई दे रही थी। मैंने मज़ार से निकलकर इस टेली की जानब कदम बढ़ाए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। करीब पहुँचते ही आहट की आवाज़ सुनते ही बांसुरी थम गई और कुछ धीमी सी आवाज़ में बोला, दूरी तुम हो। मैं थैला पार करके दूसरी जानब आ गया और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अंदाजे से आवाज़ लगाई, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं सरा के मजाक का नया खिदमतगार हूँ, तुम कौन हो? चंद लम्हे वो दूसरी जानब खामोशी रही और फिर नौजवान लड़का बांसी हाथों में थामे तेली की ओर से बाहर निकल आया। इसके आवाज़ में मायूसी थी और मैं समझा कुछ और था। नीचे आओ, मेरा नाम सावल है, मैं यहाँ कालगढ़ का रहने वाला हूँ, मजीद मिस्त्री का बेटा। लड़के ने सरा की रवायत के मुताबिक अपना मुकम्मल तारुफ़ करवा दिया था और मेरी जानब सवाली नज़रों से देख रहा था। मैंने अपना नाम और मज़ार से ताल्लुक दोबारा दोहराने के बाद कहा, तुम पास से अच्छी बचा लेते हो, लेकिन वो इतनी दूर बहराने में और यूँ आधी रात को, इसे मेरी बात काट दी। मेरे बाप को मेरा बात से बचाना पसंद नहीं, वो चाहता है कि मैं इसकी तरह किलेदारों के हाँ में महीने भर की गंदम और गुड़ के बदले नौकरी कर लूँ, पर मुझे वो गुलामी पसंद नहीं। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हारी तरह किसी मज़ार का मुजावर बन जाऊँ। वैसे भी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुझे इसकी बात सुनकर हंसी आ गई। मुजावर बन के क्या करोगे? मुजावर तो बांसुरी भी नहीं बजा सकते। वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। हाँ, वाकई ये तो है, पर तुम मुझे दूसरी किस्म के मुजावर लगते हो। मैं तुम्हें बांसुरी सुनाऊँ? तुमने कभी मौसीकी सुनी है? अब मैं उसे क्या बताता कि अभी कुछ अर्से पहले तक दुनिया की कोई चार्ट टॉपर ऐसा नहीं था जो मेरी ज़ाती कलेक्शन में शामिल ना हो। बैक स्ट्रीट बॉयज़ और विटनी ह्यूस्टन की
एलसीडी से मेरे कमरे के शेल्फ भरे हुए थे, और दुनिया के हर कोने से मेरे दोस्त मेरे लिए नई तख्लीकात भेज कर मेरा खजाना बढ़ाते रहते थे। घर, गाड़ी, यूनिवर्सिटी, पार्टी, क्लब, डिस्को, हर जगह लम्हा पर लम्हा ताने मेरे साथ होती थी। सावल मुझे सोच में गुम देखकर हिचकिचाया, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं नहीं बजाता। नहीं नहीं तुम बजाओ, मुझे फांसी की इतनी समझ तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। सावल का चेहरा खुशी से चमक सा गया। उसे जल्दी से बांसुरी अपने होंठों से लगाई और पुराने गीत की तान छेड़ दी। उसकी नज़रें बांसुरी बजाते हुए मुस्तकिल मुझ पर जमी हुई थी, जैसे वो अपनी धुन का असर मेरी आंखों में तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। दुनिया का हर हुनर, हर फन एक सताइश से तो मुतसिल होता है। ऐसे दीवानों की हर कोशिश खुद को मनवाने और हजूम में अलग मुमताज़ रहने की एक परवानादार कोशिश ही तो होती है। इंसान हमेशा से अपने हुनर की तारीफ का भूखा रहता है। मेरे जहन में खुदा और मोहब्बत का एक जुमला गूंजा। अपने हुनर की तारीफ की यही भूख इंसान को कुछ अनोखा, कुछ अलग कर दिखाने पर मजबूर कर देती है। तभी इंसान से ताज महल जैसे शाहकार सरजद होते हैं। ये तारीफ और सराह ही चाहने का ये जज्बा हमें ना होता तो शायद हम अब तक पत्थर के दौर में ज़िंदा होते हैं। इन सोचों में गुम सावल की बांसुरी की मदर तान सुन रहा था कि अचानक मुझे सावन के अकब में कुछ दूर इसी लड़की का सरापा लहराते हुए नजर आया। हाँ, वही थी। बड़ा सा पलू लिए मैं एकदम झटके से खड़ा हो गया। सावन के हाथों से बुखलाहट में बांसी छूट गई और घबरा कर बोला, या अल्लाह, खैर क्या हो गया? खाब और शराब, मेरे मुंह से बस इतना ही निकल पाया। वो लड़की, सावन ने जल्दी से पलट कर देखा। बस वो चंद लम्हे जब मेरी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हो गई हुई होगी, लेकिन जब अब हम जन दोनों ने सावल के अकब में देखा तो वो वहाँ सन्नाटा ही था। सावल कुछ देर हैरान आंखों से मुझे कभी और कभी मेरे पीछे मुड़ मुड़ कर अनदेखे वजूद को ढूंढने की कोशिश करता रहा और फिर से जोर से खिलखिला कर हंस पड़ा। तुम भी इस सलाह के चक्कर में आ गए ना? माफ़ करना, मज़ार के पिछले खिदमतगार को मैं हाफिज जी कहता था, लेकिन तुम मेरे हम उम्र हुए, बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अब्दुल्ला कहकर ही पुकारूंगा। तुम जो चाहो मुझे पुकार सकते हो, लेकिन मैं किसी वहम का शिकार नहीं हो रहा। मैं 2-3 मरतबा इस लड़की को देख चुका हूँ। अब सावन के चौंकने की बारी थी। अच्छा, ज़रा मुझे तो उसका हुलिया तो बताओ। मैंने जल्दी जल्दी जो कुछ मेरे आपसे महफूज था उसके सामने दोहराया। सावन मेरी बात सुनकर एक बार फिर जोर से हंस पड़ा। बड़ा सपलू फूलों वाली चादर, हाथ में कहनियों तक सफ़ेद चूड़ियाँ, सांवला सा रंग, माथे पर बिंदिया। तुम कहो तो सही, ऐसी 2 दर्जन लड़कियाँ मैं कालगढ़ के बड़े मैदान में आज सुबह ही बुलवा लूँ। अरे भाई, ये तो इस इलाके की हर दूसरी लड़की का हुलिया बता दिया है तुमने। यहाँ सब ही ऐसी ही होती हैं। कोई ख़ास निशानी याद हो तो तुम बताओ। मैं सावर की बात सुनकर मखमते में बढ़ गया। ख़ास निशानी? अरे हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुमने किसी नूरी को पुकारा था, कहीं ये वही तो नहीं थी? सावल नूरी का नाम सुनते ही कुछ सरपटा सा गया। इसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो शर्मा कर बोला, नहीं जी, वो नूरी नहीं हो सकती। मैं यूं ही हर आहट पर इसका नाम पुकार बैठता हूँ, वो भला इस वीराने में आधी रात को कहाँ से आएगी? इस पर तो दिन में भी 1000 पहरे लगे रहते हैं। मैं शर्म से लजाते सावल को छेड़ा, ओ ये तो ये बात है, पर ये नूरी है कौन? नूरी मेरी मंग है जी, यहाँ कालगढ़ में रहती है। आप मज़ार पर हेड मास्टर इकराम साहब से ज़रूर मिले होंगे। नूरी इन्हीं के भाई की बेटी है। पूरी 8वीं जमात तक पढ़ा है इसने, पर इसके बाप ने घर बिठा लिया। वैसे भी आगे पढ़ने के लिए कालगढ़ से 20 कोस दूर दूसरी बस्ती के हाँ स्कूल तक जाना पड़ता है। सावल शर्मा शर्मा के अपनी अपनी और नूरी के रिश्ते की बाबत बता रहा था कि कैसे इसके घर वालों ने सावल की निशानी तो रख ली, लेकिन साथ ये शर्त भी लगा दी कि जब तक सावल बसरे रोज़गार नहीं हो जाता वो बेटी को रुख्सत नहीं करेंगे। लेकिन कालगढ़ में रोज़गार के नाम पर सिर्फ किलेदारों की गुलामी ही थी, जो सावल को किसी सूरत मंजूर नहीं थी, क्योंकि किले के कर्ज में चुंगल में इन लोगों की तीसरी नस्ल पस रही थी। और ये सोदर सू का ये जाल कालगढ़ वालों को किसी अनदेखे खून आशेम अफियत की तरफ जकड़े हुए था, क्योंकि बस्ती के तमाम रिश्तों का फैसला इसी कर्ज अदा करने के मौके पर जबूत की पंचायत ही करती थी। लोग अपना पुराना कर्जा चुकाते और अपने प्यारों के रिश्ते के लिए एक नए कर्ज की गठरी अपने शानों पर डाले किले से निकल आते।
इसलिए सावन का बाप चाहता था कि सावन भी किलेदारों की नौकरी कर ले, ताकि बाप बेटा दिन रात मेहनत करके किले का सारा कर्ज इसी साल चुकता कर दें और सावन का रिश्ता पक्का हो सके। लेकिन खुद सावन को यूँ रिश्ते के बहाने बार बार नूरी और उसके घर वालों का किले बुलाया जाना एक आँख नहीं पाता था। उसका बस चलता था नूरी को सात पर दो में जमाने की नज़र और हरदीद की आंच से छुपा बचा कर रख लेता, लेकिन वो इस पर बेबस था क्योंकि नूरी इसका पूरा हक नहीं तस्लीम किया गया था। और यही बात सावर को हर दम परेशान रखती थी। उसने नूरी को भी सख्ती से मना कर रखा था कि अपने या चचा के बगैर कभी अपने घर के आंगन से कदम भी बाहर नहीं डरेगी, क्योंकि जबरूत के हवारी और कर कर आवारा कुत्ते की तरह इन सारा दिन काल लड़की गलियों में मंडलाते रहते थे। सावर के बकौल जब से नूरी के साथ इसकी मंग तय हुई थी, वो वैसे भी दोहरे अजाब का शिकार था। पहले फिर भी कभी कभार से नूरी की एक आध झलक नसीब हो जाती थी, लेकिन अब तो वो इसके सूरत देखने का भी तरस जाता था। मेरा दिल चाह कि मैं सावर को बताऊं कि कोई भी मंगनी कोई भी मंगनी या कोई दूसरा बंधन इसका कसूरदार नहीं। ये कसूर तो इस मोहब्बत का है जो अपने जलवों में हर जाने का ऐसी कितनी बेचैनियाँ, दर्द और लाहासिलपन की चुभन लेके आती है। जब तक हम किसी से मोहब्बत नहीं हो जाती, वो शख्स हमारे लिए किस कदर आम हो जाता है। हज़ारों की भीड़ में से भी एक हमारे पास बाकी तमाम लोगों की तरह चलता फिरता और हमारी दस्तरस में, लेकिन जैसे ही हम इससे मोहब्बत हो जाती है, पल भर में वो हमारे लिए किस कदर नामुमकिन, कितना लाहासिल हो जाता है। जो पहले पहरा पहरे हमारी महफिलों में सामिया बना बैठा रहता था, अब उसकी कुर्बत की वो दो घड़ी के लिए भी हम तरस जाते थे। ये मोहब्बत आखिर है क्या बला? मैं अपने साथ ये मजबूरियाँ, परेशानियाँ, दूरियाँ और करब का एक दरिया लिए दर दर होती है। फिर पहले मैं समझता था कि मोहब्बत का नज़ूल ही हमेशा दो ऐसे अफराद के दरमियान होता है जिनका मिलना नामुमकिनात का दूसरा नाम हो, लेकिन अब मुझ पर ये राज धीरे धीरे आशकार होने लगा कि असल में मोहब्बत खुद अपने साथ एक ऐसा सहर लिए नमोदार होती है कि हम जो हमारे महबूब को हमारे लिए परिसात बना देता है। जाने को काफ के लिए बुलंद बाला पहाड़ खुद ब खुद हमारे दरमियान कहाँ से आ खड़े हो जाते हैं। ज़माने की नज़र बदल कर पक्षी क्यों बन जाती है और अपने भी पराए होकर ताने मारने लगते हैं। ये हमदर्दी तंज में बदल जाती है। कल तक पलकों में बिठाने वाले सीख पा होकर सरनश करने लगते हैं, और ना जाने ये मोहब्बत हमेशा हमारे इर्द गिर्द का हर मौसम रवैया हमारे खिलाफ क्यों कर देती है। हर बहार को खजान में बदल देती है, यहाँ तक कि अपने आप तक से जुदा कर देती है। यही सब कुछ सावन के साथ भी हो रहा था। वो रात गए तक मुझसे अपना दर्द बांटता रहा। जाने इसने पहली मुलाकात में मुझ पर इतना भरोसा क्यों और कैसे कर लिया था। रुखसत होते वक्त भी इसने मुझसे कुछ बार वादा लिया कि मैं रोज़ रात को कुछ देर के लिए सराह में इसे मिलने से आया करूँगा। जब मैं सावन को अलविदा किया कि मजाक के सहन में दाखिल हुआ तो सुबह की अजान का वक्त करीब ही था। मैं वो कच्ची ईंट के सहन के बस्तर बनाकर और हाथों का तकिया पर सारा हाथ रख कर कुछ देर कमर टकाने के लिए लेट गया, और पता ही नहीं किस घड़ी मेरी आँख लग गई। नींद ने मुझे कुछ अजीब से साए डराते रहे। मैंने अचानक खुद को इस वसी और रीस और लेक सहरा के बीचों बीच खड़ा पाया। सवा नेजे पर आया सूरज मेरे सर पर तपती किन्नों की बच्चियां ले खड़ा था, और अचानक ही मुझे बहुत से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती थी। मैं घबरा कर एक तरफ दौड़ता हूँ तो आठों कुत्तों को अपना दाकू मैं दीवाना बार भागता पाता हूँ, और फिर इन्हीं में से एक कुत्ता उछल कर मेरे नखरे में अपने दांत काट देता है, और मैं घबरा कर आँखें खोल देता हूँ। याला ये ख्वाब था या कोई अजाब? सुल्तान बाबा में से एक बर्तन पानी लेकर वजू कर रहे थे। उन्होंने मेरे मुंह पर पानी का छींटा मारा। इनके अंदाजे से साफ जाहिर था कि वो बहुत एहतियात से पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। फजर की नमाज के बाद मैंने इन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया। मैंने सुना था कि सुबह के करीबी ख्वाब सच्चे होते हैं। सुल्तान बाबा मेरा ख्वाब सुनकर खामोश से हो गए। मैंने इसरार किया तो धीरे से बोले, ख्वाब तकदीर नहीं होते, कभी कभी मुस्तकबिल की एक झलक ज़रूर साबित होते हैं हो जाते हैं, और अगर ये झलक सच्ची है तो आने वाले दिनों में ये सराह तो तुम्हारी बहुत बड़ा जानगार साबित होगा, ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि खुद मेरे लिए भी, बल्कि हर हाल में साबित कदम रहना होगा। याद है कि ये जिसम सिर्फ इस दुनियावी ज़िंदगी का एक सितारा है, असल हयात तो मौत के बाद से शुरू होती है। न जाने सुल्तान बाबा के लहजे में ऐसी क्या बात थी कि मैं सर से पैर तक सीने में शरब हो गया, और रफ्तार रफ्तार सरा के पे रहम धूप ने सरा के रोशनियों पर डेरे डालने शुरू कर दिए।
अभी तक रात के ख्वाब के असर से बाहर नहीं निकल पाया था कि अचानक मुझे यूँ लगा कि कुत्ता दर्द से बेचैन होकर रह रहा है। चंद लम्हे तो मैं यही समझता रहा कि रात वाले ख्वाब का ही तसलसल है, लेकिन जब वो एक आवाज़ फे से मजाक की अगली दवा से उभरने लगी तो मुझे खुद को मशतबा करके उठना ही पड़ा। और फिर मैं तपती रेत में पैदल सा तबा अगली रात सिमर तक पहुँचा तो अपनी जगह जमकर ही रह गया। दीवार की नामुकम्मल साय में अध परा कला पड़ा हुआ था। हाँ, जब रूप का वही लाठला कुत्ता जिसने पहली रात मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी और गुस्सा रात जिसे रीछ ने पूरी कुव्वत से अपने पंजे के एक ही तपेड़े से हवा में उछाल कर जुम के दायरे से परे फेंक दिया था। मुझे इकराम साहब ने बताया था कि जबूत अपनी हार जाने वाले शायद शदीद जख्मी कुत्तों को मरने के लिए शराब में फेंकवा देता था। शायद काले को भी अध बुरा समझ कर वो लोग शराब में फेंक गए थे, लेकिन वो इस हालत में यहाँ तक कैसे आ पहुँचा। कुत्ते का जिस्म पूरी तरह जख्मी था और रीछ के खूंखार पंजों ने काले का पेट पूरी तरह से उधेड़ दिया था। वो गर्म रेत पर कुछ इस तरह पड़ा हुआ था कि इसकी धोंगती जैसी चलती सांस और मुंह से लटकती जबान रेत चाटती रहती थी। इसकी आंखों से आंसू बह बह कर रेत में चस्प हो रहे थे। मुझे देखकर कुत्ते ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक राख के बाद नडाल होकर वहीं पड़ कर रह गया। मुझे और तो कुछ समझ में ना आया। मैं जल्दी से भाग कर अवजार के हाथे में पड़ी पुरानी मश्क उठा लाया। उसके तय में से अभी काफ़ी पानी मौजूद था। मैंने चंद कतरे जानवर के चेहरे पर टपकाए तो उसने जल्दी से जबान बाहर निकाल दी और पानी की गिरती बूंदों की बेताबी से अपने हल्क से नीचे उतारने लगा। करीब से देखते ही मुझे जख्मों की असल गहराई का अंदाज़ा हुआ, लेकिन अफसोस मेरे पास इस वक्त वहाँ कोई ऐसा मरहम नहीं था जिससे मैं जख्म लगा पाता पर लगाता। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं दोबारा अंदर की तरफ दौड़ा तो एक पुराना टाट का टुकड़ा सहन की दीवार के साथ पड़ा नजर आया। मैंने दीवार के अपने ताक के अंदर से माचिस उठाई और टाट को आग लगा दी। बचपन में से एक बार काशिफ कि बिल्ली का पाँव जख्मी हो गया था, तब मैंने इसे ऐसे लंगोटिए यार को यही नुस्खा समाते देखा था। टाट की राख में निकल काले के जख्म के ऊपर बिखेर दी। पता नहीं इससे सुकून मिला या नहीं। मैंने रात की बची हुई रोटी के चंद छोटे टुकड़े भी अपने साथ लाया था। रोटी निकलने और पानी पीने के बाद मुझे कुछ सुकून में दिखाई दिया, लेकिन अब मसला अब भी वही था, बेजबानी। अचानक ही मुझे इस जबान और लफ्ज़ों की शदीद अहमियत का एहसास हुआ। मेरे पास यही एक अल्फाज ही तो थे सबसे ख़ास, सबसे मुमताज़ कर देने वाले, और अगर मेरी ज़िंदगी से ये अल्फाज निकाल दिए जाएँ तो हम किस कदर नामुकम्मल, किस कदर खोखले हो जाएँ। बेज़बानी का कर्ब जिस शिद्दत से इस लम्हे मैंने महसूस किया तो शायद ही कभी किया हो। काले ने अपने जिस्म को तोला और तकरीबन घसीटते हुए एक तरफ को रवाना हो गया। मेरा दिल चाहा कि इसे कहूँ कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता यहीं पड़ा रहे, लेकिन मैं तो इशारों की ज़बान अभी भी नहीं जानता था। और फिर जब बात इशारों की ज़बान तक ही क्यों मखसूस थी, मैं तो बोल का भी बाज़ मतलब अपनी लफ्ज़ा का गुंगा ही पाता था। काले ने ऊंचे ठेले से पलट कर एक बार शकुत भरी नज़रों से मेरी जानिब देखा और फिर रेत के उड़ते गर्म बगोलों में गायब हो गया। इतने में अंदर सराह के सहन से किसी की बातों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैं पलट कर वापस सहन में दाखिल हुआ तो कराम साहब एक बूढ़े जोड़े के साथ सुल्तान बाबा के करीब बैठे दिखाई दिए। बूढ़े की नज़र शायद बिल्कुल ही जवाब दे चुकी थी, लिहाजा वो बुढ़िया के सहारे टटोल टटोल कर सुल्तान बाबा से मुखातिब था। मैं अभी सलाम करके खामोशी से इन लोगों के करीब ही बैठ गया। बुढ़िया गुजारे लायक भी उर्दू नहीं बोल सकती थी, सो बूढ़े ही को इसके हिस्से की अल्फाज भी अदा करने पड़ रहे थे। खुद बूढ़ा भी अपना मदा टूटी फूटी उर्दू और सराई जबान की अमेजिश में बयान कर रहा था। इकराम साहब भी दरमियान में लकमे देते रहते। माजा को शो था कि बूढ़े और बूढ़ी को नवासी 6 माह पहले ब्याह कर अपने गांव में मियाँ समेत कालगढ़ से 2 गांव आगे रमानगढ़ के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अभी ये उसका शोर कभी रमानगढ़ नहीं पहुंच पाए। लड़की के गांव और रमानगढ़ के बीच सिर्फ कालगढ़ स्टेशन ही पड़ता था और तलाशी के दौरान चंद रेलवे मुलाजमीन ने इतनी गवाही तो ज़रूर दी थी कि उन्होंने इस रात को एक नौजवान शादीशुदा जोड़े को कालगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उतरते हुए देखा था, लेकिन इसके बाद दोबारा ट्रेन पर सवार हुए या कहीं और निकल गए इसकी खबर किसी को नहीं थी। लड़की के माँ बाप तो चंद साल पहले ही हाल के हकीके से जा मिले थे। लड़की के नाना नानी ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया और ब्याह था। लड़का रमानगढ़ में कोयले की कान पर मजदूर था और हफ्ते भर की छुट्टी से लेकर सिर्फ ब्याह के लिए अपनी दुल्हन के गाँव आया था।
बूढ़ा और बूढ़े की इस नवासी की जुदाई से बेहाल निडाल थे। ख़ास तौर पर बुढ़िया के तो आंसू ही नहीं रुकते थे। बकौल इसके से कालगढ़ की मट्टी में से इसकी सकीना की खुशबू आती है और चंद माह ही से वो दोनों दर दर की ठोकरे खा रहे थे, लेकिन अभी तक इनकी नवासी को कुछ सुराग नहीं मिल सका था, ना ही इसके शोहर का कोई पता था। कालगढ़ की नकारा पुलिस भी चंद दिन की दिखावे किए और दौड़ धूप के बाद अपने हाथ पर हाथ रखकर दम बैठ गई। और अब तो हवालदार ने बकायदा इन दोनों का दाखिला भी थाने में बंद करवा दिया था। ये कौन रोज़ाना इन वो खपती बूढ़ों की तकरार सुनता फिरे। इकराम साहब ने सुल्तान बाबा को ये भी बताया कि शुरू ही में से इससे पहले सकीना के नाना नानी ने इलाके की रवायत के मुताबिक जबरूत से भी रब्ता किया था। जबरूत ने चंद दिन अपने हकारे आसपास के इलाकों में दौड़ाए कि शायद कहीं लड़के लड़की का पता चल सके, लेकिन चंद दिन बाद करिंदे भी तारीख थक हार गए। अब तो जबरूत ने बूढ़े और बुढ़िया से मिलने से भी इनकार कर दिया था। जाहिर है कि इसके पास कुत्ते लड़ाने जैसे और भी बहुत से आम काम होते थे। वो कब तक अपने वफादारों को हलकान करता, लेकिन सकीना की नानी ये इलाका छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसकी लाड़ी की अगर कोई खबर मिले तो वो यहीं कालगढ़ से ही मिलेगी। बुढ़िया ने बूढ़े के कान में कुछ कहा और बूढ़े ने उसे डांटा। बुढ़िया ने फिर मिन्नत की, बूढ़ा दिल ना खास्ता गड़बड़ाया कि मेरी लगाई सटिया गई है पीर साहब, आप सरकार लोग हैं बुरा नहीं मानते हैं, पर यह कहती है कि इस रोज़ाना कई महीनों से हर रात एक अजीब ख्वाब आता है कि हमारी सकीना इस सराह में दौड़ रही है और हम इसके पीछे बहुत से कुत्ते लगे हुए हैं। सकीना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और हमें पुकार रही थी। मैं ज़ोर से चौंका, कुछ ऐसे ख्वाब मैंने रात को देखा था। ये सराह क्या अपने सभी पासियों को एक जैसे ख्वाब दिखाता है? बूढ़ा गिड़गिड़ा था, हमारे लिए दुआ करो पीर जी, हम बहुत बेबस और बेकस हैं, बेमजबूर और बेकस हैं, बड़ी दूर से चलकर आए हैं, यहाँ कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है। बूढ़ा बोलते बोलते बरस गया, उसकी आंखों से वो आंसू टपक कर मजाक की मंजर ज़मीन में जज्ब हो गए। बुढ़िया ने अपने मर्द को रोते हुए देखा तो जल्दी से अपना दुखड़ा भूल कर पलू से इसकी आंखें पोंछने लगी। अजीब नज़ारा था, वो मजबूर और बेकस इंसान एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, हालांकि दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि इनका दिलासा झूठा है। पता नहीं क्यों एकदम ये मेरा दिल भर आया और मैंने वहाँ से उठ जाने की ठान दी। इतने में मजाक के दरवाज़े से ज़ोरदार आवाज़ के साथ सलाम की आवाज़ सुनाई दी। आने वाला सावल था जो वहीं दरवाजे के करीब खड़ा होकर मेरे पास आने के इशारे कर रहा था। मुझे तो वहाँ से उतरने का बहाना चाहिए था। सावल के करीब पहुँच कर मैंने उससे पूछा, खैर तो है? कहीं नूरी के लिए कोई मन्नत मांगने तो नहीं आए? वो मुस्कराया, मन्नतों से अगर प्यार मिलते तो कालगढ़ का ही मज़ा इतना वीरान ना होता जनाब। वाह बड़ी बात कह दी तुमने, तुम कैसे आए? सावन ने कुछ रात सराना अंदाज में करीब होकर बताया कि नूरी की किसी सहेली ने उसे पैगाम भिजवाया कि नूरी असर के बाद अपने वालदेन के साथ मज़ार पर दुआ करने आएगी, शायद चचा इकराम भी साथ हों। सावन भी इस वक्त किसी मज़ार बहाने मज़ार पर आना चाहता था। वो मुझे यही बताने के लिए जुलसा देने वाली धूप में दौड़ता हुआ यहाँ तक आया था कि मैं उसकी मदद करूँ, उसके ज़रिए जिन्हें कोई ऐसा काम लगाऊँगा जब वो मज़ार पर आए तो नूरी के घरवालों को शक ना हो और वो बुरा ना माने। बकौल सावी नूरी के घरवालों के सामने बहुत सख्त थे, खास तौर पर अपने पुराने उस्ताद हेडमास्टर इकराम साहब से तो इनकी जान जाती थी। मैंने इनकी आराम कहानी सुनने के बाद मुस्करा कर इसे पूछा कि कहाँ उसने इतनी मेहनत की है, वो ज़रूर कोई अच्छा सा बहाना भी खुद ही सोच दिया होता। सावन भी हंस दिया, उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है, आज जुमेरात है, मैं यूँ ज़ाहिर करूँगा तुम जैसे मेरे कहने पर मगरब के बाद पढ़कर बांटने के लिए चंद चने और गुड़ वगैरह लेकर आए हो। चाँ पीछे हाफिज़ जी भी हर जुमेरात को यही न्याज बांटा करते थे, ये मोहब्बत करने वाले हमेशा ऐसे बहानों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैंने सामने को तसली दी कि वो बेफिक्र होकर वापस जाए, मैं इस मामले इश्क के जुर्म में इसका पूरा साथ दूंगा। सामने को परेशान देखकर मैं यही सोचता था कि हाँ ये प्यार अपने साथ कितनी कड़ियाँ पाबंदियों के कांटे क्यों लेकर आता है? हफ्तों से राह में सर पटकने और पाँव में छाले पड़ने के बाद आज जब महबूब और दीदार नसीब हो भी रहा है तो वो भी सिर्फ चंद कड़ियों के लिए, और इसके लिए 100 बहाने और तावीलें करना पड़ रही थी। ये प्यार मोहब्बत का जज्बा हमारी आंगों से सारा खून निचोड़ने के बाद खुशी की वो बूंदें हमारी रूह में खुशकोर में क्यों डालता है? ये जाते जाते सावन की नज़र सुल्तान बाबा करीब बूढ़े और बुढ़िया पर पड़ी। ओह ये बेचारे यहाँ भी आ पहुँचे, तुम जानते हो उन्हें? कालगढ़ में कौन है जो उन्हें नहीं जानता? पिछले 6 माह से इलाके के हर घर के चौकड़े पर दस्तक दे चुके हैं
और ये दोनों बड़ा जुल्म किया है कुदरत ने इनके साथ, जाने इनकी नवासी की आँख हो गई है। इलाके के सब जवानों ने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन इन दोनों का आज तक कहीं पता नहीं चला। अब तो बाकी साहब की तरह मैं भी ये समझता हूँ कि ज़रूर वो लोग कालगढ़ से कहीं आगे बढ़ गए होंगे। यहाँ होते तो उनका कुछ निशान तो मिलता। जाते जाते सावन एक बार फिर अपना पूरा मंसूबा दोहरा कर और मुझसे तस्दीक करवा कर वापस पलट गया। सुल्तान बाबा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए थे, मैं भी आकर दुआ में शामिल हो गया। दुआ ख़त्म करके सुल्तान बाबा ने सकीना के नाना नानी को तसल्ली दी कि इंशाल्लाह जल्द ही इनकी लाडली का कोई ना कोई सराख मिल जाएगा। इकराम साहब ने दुआ के बाद वापसी का इरादा जाहिर किया। बुढ़िया ने बूढ़े को सहारा देकर खड़ा किया और सुल्तान बाबा से रुख्सत होकर जाने के लिए पलटे। सुल्तान बाबा की गोद से कपड़ों तक एक छोटी सी पोटली फिसल कर नीचे गिर गई। इसे उसे शायद इसकी खबर नहीं हुई। मैंने इन्हें जाता देखने में इस कदर महव था कि पहले मेरी नज़र भी वहाँ नहीं गई। फिर जब एहसास हुआ कि तब तक वो मज़ाक के दरवाजे तक पहुँच चुके थे, मैंने इकराम साहब को आवाज़ देकर रोका और जल्दी से पोटली उठाकर इन्हें थमाने के लिए दरवाजे की जानब दौड़ाया। पोटली की गरा शायद नरमी से लगी थी, तभी वो बीचों बीच रास्ते में खुल गई और दो चार कपड़े निकल कर सहन में बिखर गए। एक का तेज़ भगोरा सिरा के सहन में दाखिल हुआ और मैंने जल्दी से कपड़े समेटना शुरू कर दिए। रेत में मेरी आंखों में घुसी जा रही थी, कपड़े क्या थे चंद कुतरे नहीं थी। तेज़ हवा ने एक जनाना दुपट्टे को दूर फेंक दिया। मैंने बाकी कपड़े समेटने के बाद उस जानब पड़ा जहाँ मज़ार के सहन में आगे कीकर के एक झाड़ में वो दुपट्टा अटका हुआ था। रेत के उड़ते जरों ने आसपास कुछ सभी कुछ तुमना कर रखा था। तभी मेरी नज़र वो दुपट्टे पर पड़ी और मेरे जहन में एक साथ बहुत से चमके हुए ये तो वही फूलों वाली चादर का एक हिस्सा था जो मैंने उस अनजान लड़की को ओढ़े देखा था। हाँ वही तो था, लेकिन ये दुपट्टा कैसे यहाँ कैसे। मैं जल्दी से केकर से कपड़ा अलहदा किया और उसे लेकर तकरीबन दौड़ता हुआ दरवाजे के करीब जोड़े तक पहुँचा। इकराम साहब मेरी हड़बड़ाहट देख कर घबरा से गए। मैंने जल्दी से पूछा ये कपड़े किसके हैं। इकराम साहब ने जवाब देने के बजाय बूढ़े की तानिम देखा। बूढ़े ने ठंडी आह भरी, ये हमारी सकीना की चादर का आधा हिस्सा है। शादी के बाद आते हुए इसने इस पर नसीब नानी को अपनी निशानी के तौर पर दिया था, ये इसे अपने सीने से लगाई फिरती है। जी कहती है मैंने इसे लाडी की खुशबू आती है। मेरे जहन में बैक वक्त जाने कितनी अंधेरियों के चक्कर चलने लगे। इसका मतलब था कि अब तक जो अनजान लड़की रात के अंधेरे में जो इस शराब में दिखाई देती रही वो सकीना ही थी। ला हासिल की खोज। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर इन दोनों को बताऊं कि मैंने सकीना को देखा था, लेकिन न जाने वो कौन सा एहसास था जिसने मुझे इस ऐलान से बाज रखा। बूढ़े और बुढ़िया इकराम साहब समेत अपनी नवासी के कपड़ों की पोटली लिए पलट कर चल दिए और मैं वहीं रेत के शदीद तूफान में इस मज़ार के दरवाजे के करीब गुमसुम सा खड़ा रह गया। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि कब रेत की चादर ने मेरे सारे वजूद को अपनी जलती चादर से ढाक दिया। ये कैसा इसरार था। अगर वो लड़की सकीना ही थी जो मुझे एक आध नहीं तीन चार बार दिखाई दी थी, तो फिर वो गुज़िश्ता इतने अरसे से कालगढ़ के दूसरे बादशाहों को क्यों नहीं नज़र आई थी। लेकिन क्या सिर्फ एक फूलों वाली चादर की मुशाबत की बिना पर मुझे इतना बड़ा दावा करना भी चाहिए या फिर मज़ीद किसी सबूत का इंतज़ार करना चाहिए। मैं नहीं सोचों में गुम रहा और मुझे पता भी नहीं चला कि कब असर का वक्त गुजर गया। सुल्तान बाबा ने टोका, मैंने जल्दी से सूरज ढलने से कुछ कबल नमाज अदा की। आज मज़ार पर हल्की हल्की चहल पहल भी थी, शायद जुमेरात की वजह से। कुछ ही देर में इकराम साहब के एक पक्की उम्र के मर्द और औरत के साथ मज़ार के अहाते में दाखिल हुए। मैं इनके पीछे पीछे झुकती सी छोटे छोटे कदम उठाती एक सामरी सलोनी सी नौजवान लड़की इलाके की रेत के मुताबिक बड़ा सा पल्लू निकाले अंदर चली आई। अच्छा तो ये था सावल की नूरी, वाकई सावल की तड़प और बेचैनी बिला वजह नहीं थी। नूरी के नूर से मज़ार चंद लम्हों के लिए चमका सा गया। कुछ लोगों की सादगी में किस कदर कशिश होती है। कुछ सरापा खुद सतापा एक गहना ही होते हैं, इन्हें मज़ीद किसी जेवर की ज़रूरत ही नहीं होती। नूरी ने भी सादा सफ़ेद चूड़ियाँ कोनी तक डाल रखी थी। वो अपने माँ बाप और इकराम चचा के साथ दुआ में मशगूल थी। मैं बार बार सराह की तरफ नज़रें दौड़ा रहा था, न जाने सावन कहाँ रह गया। इसे मुझे यही बताया था कि नूरी की खास सहेली ने नूरी से भी छुपकर इसके मज़ार आने की खबर सावन तक पहुँचाई थी।
नूरी की सब सहेलियाँ नूर सावन की इस बेकरारी से वाकिफ थी और सभी की दिली ख्वाहिश थी कि नूरी जल्द जल्द सावन की होके इसके घर चली जाए। इसलिए वो नूरी को नाराज़गी का खतरा मोल लेकर भी ऐसी हरकत कर गुजरती थी जिससे इन दोनों की दो घड़ी एक दूसरे को देखने का मौका मिल सके। नूरी का सुकून भी यही जाहिर कर रहा था कि इसे सावर की आमद की खबर नहीं, वरना वो ऐसे शफाफ आईने कहाँ छुपा पाते हैं। नूरी ने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे और वो दूर से राह में नूरी की हथेलियों के हल्के से परे सावर को लंबे लंबे डाक बत्ते बजा के जाने पाते हुए देखा। उसने दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही ज़ोरदार अंदाज में हम सबको सलाम किया और एक बड़ा सा कपड़ा का थैला एक जानब रखते हुए बोला, छोटे पीर जी, आपने दुआ के लिए जो सामान मंगवाया था सब ले आया हूँ। इसकी इस छोटी पीर जी के इसरार ने मुझे बेसख्ता मुस्कराने पर मजबूर कर दिया। नूरी के चौंक के पलट के देखा और उसके चेहरे पर बे वक्त हया शर्म और कुछ कुछ गुस्से की लाली बिखर गई। वो समझ गई थी कि सावन की इस आदत मंदी के पीछे क्या रास है। सावन ने बाकी सब लोगों से भी अलैक्स लैक की और मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। इसने नजर भर भर फिसल कर नूरी के चेहरे का तवाफ कर रही थी और चंद लम्हों पहले किसी गहरी झील की तरह पुरसकून नजर आने वाली नूरी किसी समंदर की बेचैन मदद जैसा की तरह बल खाने लगी थी। दुआ ख़त्म होने के बाद नूरी के वालदैन ने सुल्तान बाबा से चंद लम्हों की मुलाकात की। इकराम साहब ने इन सब का तारुफ करवाया। इस तमाम अरसे में नूरी मुस्तकिल सर झुकाए खड़ी रही। सावन का दिया हुआ लकब नूरी के माँ बाप की ज़बान पर चढ़ गया था और वो रुखसत होते वक्त तक मुझे छोड़े छोटे पीर के नाम से पुकारते रहे। गोया सुल्तान बाबा कालेगढ़ के बड़े पीर थे और मैं इनका मुस्तबिन छोटा पीर। सावन की बेचैनी जाहिर कर रही थी कि इनकी मन्नत वो सिर्फ नूरी की एक नज़र है, लेकिन बैकर हयाने भी जैसे सिर्फ मजाक के सहन पर बिछी रेत ही को नहाने का फैसला कर रखा था। नूरी ने आखिरी वक्त तक अपनी नज़र झुकाए रखी ताकि इसके माँ बाप और चचा मजाक के दरवाजे तक पहुँच गए। सावन बिल्कुल ही बस मुद्दा सा होने लगा। मेरे दिल से बेख्तियार एक सदा उंगली के इसके हिस्से की नज़र इस नसीब कर दे और ठीक उसी लम्हे नूरी के मजाक से निकलते निकलते एक पल के लिए पलट कर सावन की जानब देखा। कुछ नहीं था इसकी एक नज़र में हजाब सताइश सजनिश और एक अलविदा तब तक के लिए जब तक कुदरत एक बार फिर इनके सामने ना करा दे। सावन अपनी जगह बहुत सब खड़ा रह गया और नूरी पलट कर चल दी। मैं जानता था कि ये नज़र सावन को क्या कुछ दे गई, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अब अगली मुलाकात तक सावन के जिगर में नूरी की ये आखिरी नज़र जहर में भुजे हुए एक तीर की तरह पवित्र रहेगी। न जाने कितने जग रातें और धूप के कितने पहर इस एक नज़र की कसक और तड़प के असर में गुजर जाएंगे। सूरत चाहे कोई भी हो, ये मोहब्बत बहरहाल एक दो धारी तलवार ही तो साबित होती है। ना मिलो तो जुदाई का काटती है और मुलाकात हो जाए तो महबूब का जलवा जला कर राख कर देता है। सावन अब भी सिर्फ अपनी राख की सूरत में इस मजाक के आते में मौजूद रह गया था और गर्म हवा के तेज़ भगोले और रेत का तूफान इसकी राख को पूरे मजाक के चारों तरफ उड़ा रहा था। ये जज्बे भी कितने मुँह जोर होते हैं, एक ही लम्हे में कैसे कैसे जिंदा दिलों को खाक कर देते हैं। सावन अभी कुछ ही देर में अपने इस रेजा रेजा और खाकसर वजूद को लिए वापस पलट गया। मगरब के बाद होते ही मैंने सराह के में इस लड़की को देखा। सुल्तान बाबा की मेरी बात सुनकर किसी गहरी सोच में डूब गए। ये बोले तो लहजा तभी कुछ खोया खोया सा था। खोया वो सिर्फ एक शराब ही ना था, कुदरत तुमसे कोई बड़ा काम लेने वाली थी साहिर मियाँ। ख्याल रहे कि आप कदम दम रहा ना पाएँ। वैसे मेरा ख्याल है कि अब वो लड़की तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं देगी। मैंने तुम्हें जो इशारा देना था वो दे चुकी है। अब आगे की खोज तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमेशा की तरह मैं सुल्तान बाबा की पूरी बात समझ नहीं पाया और हमेशा की तरह चुप ही रहा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि सुल्तान बाबा मुझे सिर्फ इतना ही बताते हैं जितना मेरे लिए जानना ज़रूरी है। रात ढलने लगी थी और मेरी असली वहशत और बेचैनी का दौर भी शुरू होने को था। अब मुझे बाहर से वही मखसूस घराहट सुनाई दी। मुझे अंदाज़ा था कि काला भूख लगने पर अब हमेशा मज़ार पर चार दीवारी का ही रुख करेगा, क्योंकि इसके पुराने मालिक ने तो इसकी ज़िंदगी भर की वफादारी का सिला एक देश निकाले की टिकाले की सूरत में दिया था। वो वहीं अपनी मखसूस जगह पर पाँव बिसारे बैठा था। मैंने पुराने बर्तन में पानी का मुस्तकिल इंतजाम कर दिया था। रोटी के चंद टुकड़े निकलने के बाद काला वहीं
पैर पसार कर बैठ गया। जाने से कितनी समझ कैसे आ गई थी कि मज़ा के चारदीवारी के अंदर पटकना भी नहीं था। इतने में सरा की तरफ से सावल की पुरसोस माजरी किले की हवा ले हवा के दोष पर बिखरी। इसकी तान में जो दर्द आज था उसे शायद सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता था। शायद शेले ने कहा था कि हमारे सबसे मीठे नगमे वही होते हैं जो हमारे अंदर के शदीद जख्म को बयान करते हैं। आज सावल की बांसी भी शेले की इस कॉल को सच साबित कर रही थी। मुझे अपनी तरफ आता देखकर इसने होंठों से बांसी हटा ली। मैंने करीब जाकर इसे छेड़ा। मुझे नहीं पता था कि नूरी को एक झलक तुम्हारी धुन की इतना ज़िंदगी बख्श देगी, वरना इसके माँ बाप से कुछ देर मज़ार पर ठहरने के इंतजार ज़रूर करता। सावनी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं हर लम्हा इसके देखने के लिए तड़पता हूँ, लेकिन जब भी कभी इसकी एक आध झलक पा लेता हूँ तो फिर हफ्तों यूं ही उदास और बेचैन रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है अब्दुल्ला? पहले तो तुमने ये फैसला कर लो कि मैं अब्दुल्ला हूँ या छोटा पीर, फिर उसके बाद हम मिलकर इस दर्द का मरहम भी ढूंढ लेंगे। इस मरतबा सावल खुद को खिला हंसने से रोक नहीं पाया। यही मेरा मकसद भी था। मैं इसे रियासत के इस दौर से बाहर निकालना चाहता था। मैं इसे क्या समझाता कि इस मोहब्बत ने आज तक खुशी कम ही बांटी है। कीकर का मुकद्दर सिर्फ कांटे ही होते हैं, गुलाब नहीं। मैं अभी तक सकीना की बेत में उलझा हुआ था। मैं सामने से दोबारा इसका तस्करा किया तो मुझे यूँ लगता है कि इस लड़की की झलक में मैंने शराब में 3-4 बार देखी है वो सकीना ही थी। लेकिन इस बार सावन का रद्द अमल बहुत चौंका देने वाला था। इसे जल्दी से मेरे होंठों पर अपनी उंगली की मोहर लगा दी और घबरा कर इधर उधर देखने लगा। फिर किसी के ना होने की इम्तनान करके सरगोशियाना अंदाज में बोला कि मेरी बात मानो कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दो, ये खोज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मुझे इसके रवैये पर शदीद हैरत हुई। क्यों, ऐसा क्यों है इस खोज के अंजाम में? देखो, अगर तुम्हें इसके लड़की के बारे में कुछ भी पता है तो मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मुझे तो अब धीरे धीरे मुझे भी ये यकीन होने लगा है कि मेरी कालगढ़ का मकसद ही सिर्फ ये खोज है। सावन ने बात टालने की बेहतरीन कोशिश की, लेकिन मेरे मसम इरादे का आगे इसे हार मानना पड़ी। मैंने इसके बारे कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन शायद दूसरों से कुछ पढ़कर मालूम रखता हूँ। सकीना अपने शौहर के साथ कालगढ़ के स्टेशन पर क्यों उतरी इसका मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक रात बस्ती के किसी मकान में ठहरी थी, मुझे इस जगह का पता है। मैं और मेरा दोस्त पैरल वहाँ गए भी थे। सावन बोलते बोलते चुप हो गया। मैंने उसे टोका, तो तुम लोग वहाँ क्यों गए? तो अब मेरा दोस्त कहाँ है? तो सावन ने गहरी सांस ली कि पीर को उसके बाप ने अगली हफ्ते ही शहर भिजवा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी यहाँ जान को खतरा हो सकता है। अब मेरी बेचैनी अरूज पर पहुँच चुकी थी। खुदा के लिए मुझे बहरिया भिजवाना बंद कर दो और मुझे पूरी बात बताओ। सावन ने गौर से मेरी जानिब देखा। कभी कभी तुम मुझे वो नहीं लगते जो तुम हो, लेकिन पता नहीं फिर न जाने क्यों तुम पर इतबार करने को दिल करता है। ठीक है, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। सावन ने एक बार फिर अच्छी तरह ठान लिया। ठेले के आसपास शराब में कोई हमारी बात गुफ्तगू सुनने के लिए मौजूद ना हो। फिर इसने धीमे अंदाज में बैत खोलना शुरू किया। मैं तब खुद बैठा सुनता रहा। सावन के मुताबिक वो और पहल इस रात के घर वालों से छुपकर करीबी कस्बे में टोंटकी देखने के लिए गए हुए थे। वापसी पर इन्हें देर हो गई और आधी रात के वक्त वो बस्ती की तरफ लौट रहे थे तो बस्ती के मशरकी सिमत जहाँ शराब में कुछ दूर फासले पर बने रहते थे उनमें से एक हर करके आगे एक कच्चा आंगन और कुछ आधी कच्ची चार दीवारी की आड़ बनाई गई है। वहाँ घर के करीब इन्हें चंद साइड लपकते नजर आए। सावल वो और उसका दोस्त दरकर रह कर वहीं दबक कर बैठ गए और फिर चंद लम्हों बाद यह हलचल ख़त्म हुई तो वहाँ जल्दी जल्दी अपने घरों को लौटे। ये वो दिन यहीं बुढ़िया बूढ़ी कालगढ़ पहुँचे और उन्होंने अपनी सकीना की तलाश की दहाई में हर दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की। इसी तलाशी में वो सावल के दोस्त पैरल के दर तक भी गए। पैरल का बाप एक खोजी है, लिहाजा उन्होंने इस नवासी के खोज की इल्तिजा भी की। इस खोजी पर सावल को टोका, ये खोजी क्या होता है? सावल ने हैरत से मेरी जानिब देखा। क्या तुम्हें खोजी का नहीं पता? ये तो बड़े गुणी लोग होते हैं, इनके बाप दादा से ये फन उनके अंदर नस्ल दर नस्ल चलता है। सावल ने मुझे बताया कि खोजी वो होता है जो ज़मीन पर पड़े हुए निशानात के जरिए गांव में हुई भी किसी भी वारदात का सराख लगाने में मदद करता है। ये इनमें से कुछ लोगों की हसियात तो इतनी तेज़ होती है कि वो सिर्फ औरत या मर्द के जिस्म या कपड़ों की भूख पर खोज का सुराख निकाल सकते हैं। खोजी अगर आला नस्ल का हो तो वो ज़मीन पर पड़े निशान देकर भी बता सकता है कि पाँव निशान किस औरत का है, मर्द का, बच्चे का है या किसी बूढ़े का। औरत का है तो क्या वो जवान या बूढ़ी?
हत्या के औरत के हमला या गैर हमला होने के सुराग भी वो मिट्टी पर पड़े इन्हीं बेचार निशानों से ढूंढ निकालते थे। सारी जमा तफरीक और निशानी पहचानने का एक गहरा ताल्लुक औरत या मर्द के वजन से भी होता था, और खुजू तरबियत में कुछ ऐसे खास खुली शामिल होते थे जो इन्हें मर्द औरत की चाल ढाल और रहन सहन तक के बारे में सुराग दे जाते थे। बहरहाल ये खुदा दा सलाहियत थी जो आज तक चंद मखसूस लोगों को हासिल थी। मैं सामल की बताई हुई खोजों की तफसीलात में कुछ ऐसा खोया कि चमन नामे के लिए सकीनों को भी बुला बैठा। फिर सामल ने अपनी बात कद सिलसिला वहीं से जोड़ा कि सकीना के नाना नानी पैरल के खोजी बाप के सामने अपनी फरियाद दिए आन पहुँचे। इनकी करिया वजारी से खोजी का दिल पसीज किया और इसने हामी भर ली। अगले दिन ये तय पाया कि कालगढ़ के रेलवे स्टेशन से सकीना और उसके शौहर ये पैर के निशान उठने का सिलसिला शुरू किया जाएगा, क्योंकि पहला सुराग वहीं से मिल सकता है। लेकिन खोजी और निशान उठाने के लिए एक बहुत आम नुकता ज़मीन की साख भी था। कालगढ़ का रेलवे स्टेशन चूँकि सराग के बीचों बीच था और शदीद तेज हवा और रात पर चलती आंधी दबल पर पहले पर निशान पर ज़मीन पर जमने नहीं देती थी। ऊपर से वो हर लम्हा सरकती रेत, नतीजतन खोजी को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से मायूस लौटना पड़ा। सामल ने मुझे बताया कि उसका दोस्त पैरल और सकीना के नाना नानी भी खोजी के हमराह ही थे कि जब वो रेलवे स्टेशन तक ही हरे बस्ती में दाखिल हो रहे थे कि सकीना के नाना नानी बार बार सकीना की चादर को चूमती, इन्हीं आंखों से लगाती और रोती हुई इनके पीछे पीछे चल रही थी कि अचानक खोजी के पाँव जैसे ज़मीन पर गड़ कर रह गए। वो पहले तो सकीना की चादर का अच्छी तरह जायजा ले चुका था, लेकिन इस बार इसने खसूसी तौर पर बुढ़िया से चादर चपट कर इसे खूब अच्छी तरह सूंघा, फिर एक कच्चे मकान के सामने जाकर रुक गया। सामल और बैरल की दगों में खून की गर्दिश तेज होने लगी। ये तो वही मकान है जहाँ 3 दिन पहले रात को उन्होंने कुछ लपकते साए देखे और कुछ कुटी कुटी सी आवाज़ें सुनी थी। मकान का दरवाज़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन आधी कच्ची चार दीवारी के पार आंगन की वीरानी और सन्नाटा देखकर साफ पता चलता था कि घर में कोई नहीं है। सहन से परे लकड़ी के बिलियों वाले छत के बरामदे में खुलने वाले अंदर के दरवाज़ों की भी आध खुले पड़े थे। शाम ढल चुकी थी और मगरिब के बाद चिंपड़ा छा रहा था। आखिर सावल ने सबसे पहले हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर अंदर सहन में दाखिल हो गया, लेकिन खोजी की तेज़ आवाज़ ने सबकी जगह खड़े रहने पर मजबूर कर दिया। खोजी चलाया कि अपनी जगह पर खड़े रहना, सावल सैन की तरफ न जाना, हो सकता है वहाँ कोई निशान बाकी हो। सावल के पीछे खोजी और पैरल भी दबे पाँव अंदर दाखिल हो गए। बूढ़े जोड़े को उन्होंने बाहर रोक दिया। सावल दरवाजे के साथ ही दीवार से चिपक कर खड़ा रहा। खोजी ने अपने कुर्ते की जेब से लकड़ी की वो अजीब सी लंबी और पतली डंडियाँ निकाली और इनसे सैन के कुछ ज़मीन को फूंके मार मार कर साफ करने लगा। सैन में उतरने से पहले इसने एक काम और भी किया कि अपने जूते उतार दिए, अपने पैरों में मखसूस साख्त के बना निशान वाले ओढ़नी मोजी पहन लिए। शायद इसका मकसद जहन की रेतली ज़मीन पर अपने पाँव के निशानात से बचना होगा। महर सदा सर सावल से फिंगर प्रिंट्स उठाने का यह अनोखा वाक्य सुन रहा था। सावल ने बताया कि खोजी ने बड़ी इतिहास से तमाम सहन और फिर दोनों कच्चे कमरों का ज़मीन पर पड़ी रेत को साफ़ किया और तमाम अरसे में सकीना की चादर की खुशबू से मदद भी लेता रहा। फिर एक ख़ास जगह पहुँच कर खोजी ने अपनी कलाई पर बांधी एक ख़ास सफ़ेद डोरी खोली और उसकी मदद से ज़मीन पर पड़ी मिट्टी की मखसूस तरीके से यूँ खुर्चा के डोरी के दोनों सिरे खोजी ने अपने हाथों के दो अंगूठों से हाथ बांध रखे थे और अपनी हथेलियों को इस तरह खोल रहा था। जब वो अपनी हाथ ज़मीन पर भेरता तो धागे की डोरी ज़मीन पर रगड़ खाती, चंद मखसूस निशान मिट्टी में उभार देती। खोजी ने अपना काम ख़त्म करके एक लंबी सी सांस ली और सहन से बाहर निकल कर बूढ़े से पूछा, क्या तुम्हारी नवासी 22 से 24 साल की दरमियानी उम्र की थी और क्या इसके दाएँ पाँव में कोई चोट या जख्म था? बूढ़े से पहले बुढ़िया चला उठी, हाँ, मेहंदी की एक रात पलंग से उतरते वक्त इसके पाँव में मोच आ गई थी, वो इसलिए कुछ तकलीफ में थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? खोजी ने एक नज़र इस आसपास डाली और फिर ऐसे से बोला, इस सहन और कमरों के अंदर पड़े चार निशाना से ज़ाहिर होता है कि यहाँ एक 22 साल नौजवान लड़की जो अपने दाहिने पाँव पर पूरा बोझ नहीं डाल सकती थी मौजूद थी, लेकिन इस लड़की के अलावा यहाँ चार कम अज़ कम चार मर्दों के चलने फिरने के निशाना मौजूद हैं। हो सकती है इनमें से इसका शौहर भी हो। बहरहाल तुम्हारी नवासी की खुशबू उस घर में मौजूद है, अब वो रात सर पर है, लिहाजा हम अगली सुबह घर सुबह वहाँ से निशाना उठाना शुरू करेंगे ताकि पता चल सके कि यहाँ सकीना किस तरफ गई है। सावल ने मुझे बताया कि खोजी के मुंह से इतना ही सुनकर वो बूढ़ा बूढ़ी इसका तो खुश हुए, इनके पास चलता तो वो सारी रात इस वरान मकान की चौकट पर ही गुजार देते। बड़ी मुश्किल से सावल ने इन्हें सारी बात पर आमादा किया कि अब सुबह होने में चंद ही घंटे बचे हैं, लिहाजा कुछ देर मजीद साल में कुछ हर्ज नहीं,
क्योंकि रात में वैसे भी खोजी निशान नहीं उठा पाएगा। इसके जाने के बाद रास्ते में खोजी ने दबे अल्फाजों में अपने बेटे पैरल और सामने को इस बात का इशारा दे दिया था कि उसे शक है कि लड़की को उसकी मर्जी के बगैर इस घर से कहीं और ले जाया गया है, क्योंकि खोजी के ने जहन में वाजे तौर पर इसे घसीटे जाने के चंद निशाना देखे थे। सावल ने खोजी को खरीदा कि इसे इस बात का यकीन कैसे हुआ कि जिस रीजो को घसीटा गया वह सकीना ही थी। खोजी ने बताया कि चूँकि घसीटते वक्त भी लड़की अपने दाएँ पाँव का पूरा वजन ज़मीन पर नहीं डाल पा रही थी और एक मुकाम पर आकर जब वो जहन में गिर पड़ी थी तो उसके वज़न और मर्दों के पैरों के निशाना कशमकश के आसार इस बात का तरफ वाज़ेह इशारा करते हैं कि इस जहन में कोई और अनहोनी ज़रूर हुई है। खोजी को वहाँ ज़मीन पर पड़ी लड़की के एक बालों वाली पिन और एक टूटा हुआ नाखून भी मिला था जो इसने नाना नानी को दिखाए बगैर ही अपने पास महफूज कर लिया था। बहरहाल इस राज जैसा भी हो उसे खुले अगली सुबह खुली जाना था। सावल इतनी कहानी सुनना कर चुप हो गया। मैं बेचैनी से करवट बदली, फिर इसके बाद आके क्या हुआ वो भी तो बताओ ना। लेकिन सावल खामोश ही रहा। मैंने इसे झंझोड़ा तो कुछ जैसे होश में आ गया। इसके बाद कहानी की बेहद मुख्तसर है कि मैं अगली सुबह पैर के घर पहुंचा तो दोनों बुढ़ा बुढ़ी पहले ही से खोजी के दरवाजे पर जाने से जमाए बैठे थे। लेकिन दरवाजे पर पड़ा मोटा सा ताला हम तीनों के मुँह चला रहा था। तीन दिन तक सकीना के बाद नसीम नाना नानी इसके अंदर वहीं पर पड़े रहे। बस चौथे दिन वो लौटा तो पेरल के इसके साथ नहीं था। मेरे पूछने में से गोल मोल से जवाब देकर हमारे मुंह बंद करवा दिया था कि बड़े शहर इसकी खाला ने किसी बंगले पर चौकीदार की नौकरी ढूंढ ली थी और लिहाजा उसे जल्दी में पेरल को लेकर जाना पड़ा। सकीना की तलाश के सिलसिले में वो बिल्कुल ही बेसरूर का इजहार करता था कि अब इतने दिन बाद कहाँ को निशान बचा होगा। अलबत्ता बुढ़िया की हद से ज़्यादा आज़ादी से तंग आकर वो घड़ी के लिए हमारे साथ इस वैरान मकान तक चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद मैदान की खाक छानने के बाद हाथ में ऐलान कर दिया गया कि रोज़ाना की चलती आंधी और तेज़ हवा से आसपास का हर निशान मिट चुका है, लिहाजा अब यहाँ सकीना की तलाश हासिल होगी। बेहतर होकर इसे जाने वाले कोई दूसरा जरिए अख्तियार करें। सावल ने बात ख़त्म करके कुछ इस तरह में जाने देखा जैसे खुद नामुकम्मल दास्तान के अंजाम से शदीद कोई खौफ हुई हो। लेकिन खोजी ने ऐसा क्यों किया? मैंने इसे कुछ तो पूछा होता। सावल ने मायूसी से सर हिलाया। खोजी ने इस दिन के बाद अपनी लब कुछ इस तरह से सी लिए थे कि वो अब चना एक किसी से कोई बात करने के लिए मुंह खोलता है। ना जाने पेड़ को भी इसने कहाँ भेज दिया है। मैंने सुबह चंद महीने से अपने जिगरी यार की शक्ल देखने के लिए भी तरस किया हूँ। हमने सारी रात बातों में गुजार दी थी। बस्ती की जानिब से अजान की आवाज़ें बुलंद होने लगीं तो मेरे जहन में चाचा एक ख्याल किसी कोंदे की तरह लपका, क्या हम इस वक्त इस खोजी के घर जा सकते हैं? सामल मेरी बात सुनकर उछल ही तो पड़ा। इस वक्त खोजी के घर क्यों, खैर तो है, वो कभी जबान नहीं खोलेगा। अपना वक्त ज़ाया मत करो अब्दुल्ला, मेरा वक्त इतना कीमती नहीं है। चलो देर ना करो, मुझे रोशनी होने से पहले मज़ार पर पहुँचना है वरना सुल्तान बाबा परेशान होंगे। कुछ ही देर हम मस्ती की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से होते एक पुराने से बसीदा मकान के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। सावन की तीसरी दस्तक पर अंदर से किसी बूढ़े के खांसने की आवाज़ सुनाई दी और फिर कोई चप्पल घसीटते हुए दरवाजे की जानिब पड़ा। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा हाथ में लालटेन थामे सर बाहर निकाल कर कुछ घबराए हुए लहजे में बोला, इस वक्त कौन है भाई? दफ्तर इसकी नज़र पहले सावन और फिर मुझ पर पड़ गई और वह हड़बड़ा कर बोला, तू का अक्स। मुझे इस बूढ़े खोजी की हड़बड़ाहट पर मज़ीद हैरत हुई था। आप मुझे जानते हैं? हाँ। इस दिन तुम्हें हेडमास्टर के साथ बस्ती के बाजार में देखा था। तुम मजाक के नए मजावर होना कुछ इस तरह के मुँह धेरे मेरे दरवाजे पर, सब ठीक तो है? अब सावल ने बात संभाल ली। हाँ चाचा सब ठीक है, इसका नाम अब्दुल्ला है, मेरी इससे अच्छी दोस्ती हो गई है, तो मैं इसे मिलना चाहता था, मैं इसे ले आया यहाँ ले आया। खोजी के तासुर से साफ साहब था कि उसे सावल की जुदाई खुदाई खिदमतगारी एक आंख नहीं भाई। लेकिन वो चुप रहा और बादल खुआस था। इसने हमें अंदर आने का इशारा किया और सावल जहन में पड़ी झलिंगना सी चादर चारपाई पायती पर टिक गया। बार गली में इसका अक्का दुक्का नमाजियों के खटखटार और चलने की आवाज़ें आने लगी थी। मैंने मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर बराह रास्त सवाल दाग दिया, आप सकीना के बारे में क्या जानते हैं? मेरा सवाल सुनकर खोजी बूढ़े के हाथ से लालटेन गिरते गिरते बची और वह सावल कि तरफ दांत पीस कर बोला, अच्छा तो तुम्हारी ये शरारत है बदमाश लड़के, इसलिए मैंने पैरल को भी तुम्हारे साये से दूर भेज दिया था, लेकिन तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। मैं पहले भी हज़ार मरतबा कह चुका हूँ कि मुझे इस लड़की के बारे में मज़ीद कुछ नहीं पता।
मैं अपनी जगह बैठा रहा। साहबा ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं। मैंने खुद सकीना को सराह में देखा है। ये दूसरा धमाका था जो एन खोजी के सर पर बम की तरह फटा। क्या तुमने इस लड़की को देखा है? मगर कैसे? मेरा मतलब है कि तुम मुझे इससे इसका पता क्यों पूछ रहे हो? जाकर इसी से पूछ लो ना। मैंने खोजी के सामने जाके खड़ा हुआ और मुझे सिर्फ चंद दमों के लिए एक झलक की तरह नजर आई कि वो फिर गायब हो गई। लेकिन आप इसके बारे में कुछ ज़रूर कुछ ऐसा जानते हैं जिससे मुझे इसकी खोज में कुछ मदद मिल सके, लेकिन आप कुछ बताना नहीं चाहते। खोजी गुस्से से बिफर गया। कितनी दफ़ा कहूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता? तुम दोनों यहाँ से चलते बनो। मैं अपनी जवानी पर तो नहीं पर मेरे बुढ़ापे पर कुछ शहम खाओ। खोजी के हाथ में अंदाज से साफ जाहिर था कि वो इस मदाब पर मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता था। वो जहन का दरवाज़ा खोले खड़ा हमारी रवानगी का इंतज़ार कर रहा था। सामल ने मुझे चलने का इशारा किया। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए तो खोजी दरवाजे से हटकर एक तरफ हो गया। मैंने पलट कर इसके जाने देखा। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके पास ये फ़न और ये खुदादाद सलाहियत कुदरत का एक अमानत है और आपने अमानत में खयानत की है। ऊपर वाले ने आपका अंदर से इसलिए रोशन किया कि आप दूसरों को अंधेरे में रास्ता दिखाएं और इनकी मदद करें, लेकिन आज आपने अपने फ़र्ज़ और काम से इंसाफ नहीं किया। मुझे डर है कि ये बेमनी आपको आने वाली नस्लों के अंदर से ये वजदान और सलाहियत ख़त्म ना कर दे। मैंने ये बात करके वापस के लिए पलटा तो खोजी हजानी अंदाज में चलाया, इन्हें अपने फ़न से वे कभी बेमानी नहीं की, लेकिन बाज़ दफ़ा मसलत भी आ जाती है। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी सारी जमा पूंजी मेरा जवान बेटा पैरल है, मुझे अपनी फिक्र नहीं, पर इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊँगा। समल ने हैरत से मेरी तरफ़ देखा। मैंने ये आखिरी कोशिश इस उम्मीद पर की थी कि शायद खोजी की इस दिलो दिमाग पर जमी कुछ हर पर पिघले हर फर्शनास कारीगर की तरह वो अपने फ़न और हुनर पर आया इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सका और तिलमिला कर बोल उठा। मैंने इसे तसली दी, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। मैं आपसे कहीं ज़्यादा कमज़ोर और इस इलाके में सिर्फ एक अजनबी हूँ, लेकिन फिर भी इस लड़की खोज में आप तक चला आया। आप क्यों इस बदनसीब और चार बूढ़ों पर तरस नहीं आता जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन क्यों इस तप्त सरा की जलती रेत छानते हुए गुजार रहे हैं? इन दोनों में इन्हें अपने घर के आंगन में आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी जैसे मैं और आप गुजार रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि दोनों इसी सराह में सिसक सिसक कर अपनी जान दे दें? खोजी ने बेबसी से सर पटका। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे बाप दादा ने भी अंग्रेज़ी पुलिस में खोजी की ड्यूटी दी है। अंग्रेज़ सरकार ने मेरे बाप को इस खिदमत के सिले में बड़ी इज्जत और मान दिया। खुद मैंने 22 साल खोजी की नौकरी की है, लेकिन खुद को इतना बेबस नहीं पाया। मैं अपने पेशे की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन खोजी कुछ बोलते बोलते चुप रह गया, फिर लंबी सी सांस लेकर बोला, अच्छा गौर से सुनो, मैं अगली सुबह इस मकान के बाद निशान उठाने गया था। निशान उठाने का वक्त सही वक्त सुबह शबनम और गैरी के खुश्क होने से पहले का होता है। तब तक बूढ़ा और बुढ़िया नहीं पहुँचे थे। लड़की को इस घर से निकलने के तकरीबन 30 फुट तक घसीटा गया और फिर किसी ऊँट पर लाद दिया गया था। बस इसी जगह से आगे लड़की के निशानात ख़त्म हो गए थे। अब तुम समझ ही गए होगे कि लड़की को अगवा करके ले जाया गया था। मैं ये बात अगर लड़की के नाना नानी को बता भी दूँ तो वो बेचारे इस पर प्रदेश में क्या कर लेते, इसलिए मैं चुप रहा और बेबस। मैंने गौर से खोजी की जानब देखा, लेकिन इस ऊँट के पैरों को निशाना तो किसी जानब गए होंगे। आपने इसका खोज नहीं लगाया? खोजी ने खुद को जैसे हमारे हवाले कर दिया। वो बिल्कुल ये हार कर बोला, वो एक नहीं 3 ऊँटों पर सवार होकर आए थे और तमाम निशाना दोबारा सराह की तरफ ही पलट गए थे। मुझे झटका सा लगा। फिर आपने ये बात सकीना घर वालों को क्यों नहीं बताई? खोजी ने बेबसी से सर पटका। कैसे बताता? अखबार कुमदान को पिछले शाम ही हमारी सरगर्मी की इतला मिल चुकी थी। वो सुबह जब हम इस मकान के सामने सकीना के निशान उठा रहा था तभी मुझे अंधेरे में वो 3 निकाहपोश मेरी बेखबरी में मेरे सर पर आ पहुँचे। इनके हाथ में लड़की के शौहर के खून आलूद कपड़े थे जो उन्होंने मेरे सामने फेंक कर धमकी दी कि अगर मैंने इस मामले में ज़्यादा फुर्ती दिखाने की कोशिश की तो इसी रात अपने इकलौते बेटे को सर भी अपनी चौखट पर लटकता हुआ देखूँगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। मैं इसी लम्हे घर पलटा और सबसे पहले पैरल को शहर छोड़ा। बस इतनी सी कहानी है कि मेरे अंदर का खोजी मजबूर बाप के सामने आ गया। खोजी इस बात का खत्म करके लंबी लंबी सांस लेने लगा जैसे बरसों का भरा उबार अंदर से निकल गया हो। मैं सावन को उसके घर छोड़ते हुए मज़ार लौटा तो सुल्तान बाबा फजर की नमाज़ ख़त्म करके सलाम फेर रहे थे। उन्होंने गौर से मेरी जाने देखा, क्यों मियाँ कहाँ तक पहुँची तुम्हारी खोज?
تو وہاں کچھ کامیابی ہوئی یا مزید الجھنے سمیٹ لائے ہو؟ ہمیشہ کی طرح سلطان بابا مجھ سے میری تہہ تک پہنچ چکے تھے، میں رات بھر تک کی تمام دو دادی نے سنا دی، کھوجی کی باتوں سے کچھ ایسا ظاہر ہوتا تھا جیسے سکینہ کا معاملہ کسی قبائلی رشتے دار کی خلش کا شخصانہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس علاقوں میں لڑکی کا رشتہ نہ ملنے پر یا ٹھکرائے جانے پر ایسی انہونیاں عام تھیں۔ لیکن اس دن جب میں نے اکرام صاحب کے بہانے سے سکینہ کی نانا ننی کو خریدا تو یہ بھی محض میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ اس کے بقول سکینہ بہت پہلے ہی اپنے شوہر رحم بخش سے منسوب تھی اور بنا کسی الجھن کے ان کا رشتہ کچھ ہنسی خوشی طے پایا تھا۔ ڈھاکے کے مزید الجھتے جا رہے تھے اور ہر جانب سے میرا راستہ ایک بند گلی میں آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ سارا دن اسی ادھیڑ بند میں گزر گیا۔ شام کو عصر کے بعد میں نے انہی سوچوں میں غم گزار مزار کے صحن میں بیٹھا سورج کے چلتے گولے کو دھیرے دھیرے رات کے ٹھیلوں کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حساب الحبرات صاحب بازار کے احاطے میں داخل ہوا۔